हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बोरवेल स्टार्टर यानी कि सबमर्सिबल कंट्रोल पैनल का वायरिंग सीखने वाले हैं, जो कि एनिमेशन डायग्राम के जरिए आपको समझाने वाला हूँ। और आपको यहाँ पे 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप इस तरह का कोई भी पैनल जिसमें ओवरलोड रिले और कॉन्टेक्टर यूज होता है, उसका वायरिंग आप बिना किसी परेशानी के और बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको हर एक पार्ट की वायरिंग बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है, तो वीडियो को जो पूरा लास्ट तक देखते रहिए। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये पैनल बनाने के लिए क्या क्या पार्ट्स चाहिए वो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे ओवरलोड रिले। तो ये जो ओवरलोड रिले है, ये 914 का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपका ज़्यादा एचपी का मोटर है तो आप यहाँ पे जो है 1331 का रिले यूज़ कर सकते हो। ये मोटर के एचपी के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। आप देखिए, यहाँ पे जो कॉन्टेक्टर है, यहाँ पे मैं MJ1 कॉन्टेक्टर यूज़ कर रहा हूँ। तो आप चाहे तो यहाँ पे दूसरा भी कोई यूज़ कर सकते हो। हमें चाहिए यहाँ पे कनेक्शन प्लेट यानी सप्लाई की वायर जोड़ने के लिए और मोटर की वायर जोड़ने के लिए यहाँ पे हमें कनेक्शन प्लेट लगेंगी। मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे आपको दो पुश बटन लेना होगा। तो ये दो टाइप के आते हैं, जो हरे वाला है वो नॉर्मली ओपन टाइप का है, जो लाल वाला है वो नॉर्मली क्लोज टाइप का है। तो जो अगर आपको नॉर्मली क्लोज वाला है, लाल वाला पुश बटन इसमें नहीं यूज़ करना है। जो हमारे रिले के अंदर ये बटन आता है ऑफ करने के लिए, ये यूज़ करना है। तो इसका भी वायरिंग मैंने आपको लास्ट में बताया, अगर आपको वो बटन नहीं यूज़ करना है लाल वाला, तो ठीक है। अब देखिए, हमारे जो कैपेसिटर यहाँ पे मैं रनिंग वाली कैपेसिटर है, यहाँ पे दो यूज़ कर रहा हूँ 36 के। अगर आपका एक है तो आप एक भी यूज़ कर सकते हो, इसका भी वायरिंग आपको लास्ट में बताया है। और यहाँ पे आपको लेना होगा एक स्टार्टिंग कैपेसिटर। तो यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ 200-250 mFD का स्टार्टिंग कैपेसिटर। और यहाँ पे हमें जो है वोल्ट मीटर लेना होगा वोल्ट चेक करने के लिए हमें यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारा है एम्पियर मीटर, जो हमारा मोटर का एम्पियर कितना ले रही है वो बताएगा। और यहाँ पे आपको देखिए एक पुश बटन, छोटा सा मिनी पुश बटन लेना होगा, जो इसको दबाएंगे तब हमारा वोल्ट जो है वो शो करेगा। और ये हमारा इंडिकेटर, जब हमारा मोटर ऑन होगा यहाँ पे जो है इंडिकेटर ऑन होगा, हमारा मोटर जो है वो ऑन हो गया। चलिए जी, इस पैनल का अब जो हम वायरिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो उसका फेस वायरिंग अपडेट करेंगे, तो जो हमारा कनेक्शन प्लेट है उस पर देखिए पी वाला जो पॉइंट यानी फेस वाला पॉइंट है, तो वहाँ पे आपको 2.5 mm का वायर कनेक्ट करना है। और वहाँ से लेके आना हमारा जो एम्पियर मीटर है। एम्पियर मीटर में आपको दो पॉइंट मिल जाएंगे, तो आप दोनों पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट पर कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया। आप देखिए, उसके जो दूसरे पॉइंट से 2.5 का वायर निकालना है और उसे लेके जाना है हमारा जो रिले है, रिले के 3 नंबर पॉइंट पर। देखिए, मैंने आपको दिखा रखा है वहाँ पे 3 नंबर वाले पॉइंट पर, आपको वहाँ पे स्क्रू में लूज करके वहाँ पे लगा देना है। आप देखिए, जहाँ मैं 3 नंबर पे 2.5 वाला वायर लगाया, वहाँ से आपको 10 का एक वायर लेना है और उस वायर को लेके आना हमारा जो रिले यानी कि जो 94 वाला पॉइंट के सामने जो स्क्रू है वहाँ पे लूज करके वहाँ पे लगा दीजिए। यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है 96, 94, 93 उसके सामने लिखा रहता है रिले में, आप देखेंगे तो। आप देखिए, जो हमारा 93 वाला पॉइंट है यानी उसके सामने का जो स्क्रू है, वहाँ पे हमें जो है एक वायर कनेक्ट करना है यहाँ पे इस तरह से। और इसे लेके आना है जो हमारा कॉन्टेक्टर है उसके ऊपर, जो 4 नंबर मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। तो 4 नंबर वाले पॉइंट पे आप देखिए इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए। आप देखिए, इतना कनेक्ट करने के बाद में हमें जो है फिर से 93 वाले पॉइंट पे आना है, जहाँ पे हमने वायर पहले कनेक्ट किया था। वहाँ पे आपको एक 10 का वायर कनेक्ट करना है, उसे लेके आना है। जो 95 वाला जो पॉइंट है वहाँ पे स्क्रू में लूज करिए, वहाँ पे आप उसे लगा दीजिए। आप देखिए जो हमारा रिले है, तो उसमें जो 95 वाला जो पॉइंट है उसके सामने आपको एक और वायर कनेक्ट करना है। उसे निकाल के लेके जाना है हमारा इंडिकेटर। इंडिकेटर के पास में ज्वाइंट करने के बाद में एक और वायर आपको कनेक्ट करना है वहाँ से। और जो हमारा ऑन वाला स्विच है उसके एक पॉइंट पे लगा देना है। उसमें अगर दो पॉइंट मिलेंगे तो आप जो है दोनों पॉइंट से किसी भी एक पॉइंट पे लगा सकते हो। तो वहाँ से आपको एक और वायर कनेक्ट करना है उसी ग्रीन वाले पॉइंट के पास से, जहाँ पे हमने रेड वाला लाया, और उसे लेके जाना है हमारे रेड वाले पॉइंट पे। और उसमें भी आपको दो पॉइंट मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप किसी भी एक पॉइंट पे कनेक्ट कर दीजिए। अगर आपको ऑफ वाला स्विच नहीं यूज़ करना है, जो हमारे रिले के अंदर ऑफ वाला स्विच यूज़ करना है, तो उसका भी आगे मैंने आपको वायरिंग बताया, तो पहले आप ये देख लीजिए। आप देखिए, जो हमारा ऑफ वाला स्विच है उसके दूसरे पॉइंट पे से एक वायर कनेक्ट करना है और उसे लेके जाना है हमारा जो कॉन्टेक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक कॉइल लगा रहता है उसके एक पॉइंट पे, यहाँ पे आपको कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह से देखिए, हमारा जो ये वायरिंग फेस यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हमें आना होगा जो हमारा एम्पियर मीटर है। तो एम्पियर मीटर में से एक 10 का वायर कनेक्ट कर दिए आप, और जो मिनी स्विच है हमारा वहाँ पे आप लाके से कनेक्ट कर दीजिए एक पॉइंट पे। अब जो हमारा मिनी स्विच का दूसरा पॉइंट बचा है, तो उस दूसरे पॉइंट से हमें जो है एक वायर कनेक्ट करना है 10 का, और उसे लेके जाना होगा हमें वोल्ट मीटर के अंदर। यहाँ पे आपको लाके जो उसके दो पॉइंट मिलेंगे वोल्ट मीटर के, वहाँ पे लाके आपको कनेक्ट कर देना है। आप देखिए, जो हमारा कैपेसिटर है, तो यहाँ पे कैपेसिटर के हमें जो वायरिंग करना होगा, तो जो यहाँ पे 36 के यानी कि जो रनिंग कैपेसिटर है, तो इस रनिंग कैपेसिटर का जो बीच वाला कैपेसिटर है वहाँ पे देखिए एक वायर कनेक्ट करिए आप, और जो ऊपर वाला कैपेसिटर है उसके एक पॉइंट पे कनेक्ट करिए इस तरह से, और उसे लेके आइए जो 3 नंबर हमारा पॉइंट है वहाँ पे लाके आप जो है कनेक्ट कर दीजिए। तो हमारा जो ये रनिंग वाला यानी कि आर वाला पॉइंट बनता है, ठीक है। तो 3 नंबर पे कनेक्ट कर दीजिए इस तरह से। आप देखिए, जो हमारा 36 यानी कि जो हमारा स्टार्टिंग जो कैपेसिटर है वहाँ पे आपको येलो वायर कनेक्ट करना है उसके पॉइंट पे, और जो उसके ऊपर वाला कैपेसिटर है वहाँ पे भी एक आपको येलो वायर कनेक्ट करना है। जो उसके वाला के ऊपर जो कैपेसिटर है वहाँ पे भी आपको एक वाले येलो वायर कनेक्ट करना है, और वहाँ से लेके जाना है इसे 2 नंबर पे, यानी यहाँ पे आपको जो है रिले के 2 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट कर देना है। ये जो है हमारा मोटर का वाई वाला वायर बनता है यानी कि येलो वाला वायर बनता है।
आप देखिए इतनी वायरिंग कंप्लीट होने के बाद में हमें आना है फिर से स्टार्टिंग वाले पे, और उसका जो एक पॉइंट बचा है वहाँ से आपको एक वायर कनेक्ट करना है, उसे लेके जाना है हमारा ग्रीन वाले यानी कि जो ऑन करने का जो स्विच है उसका एक पॉइंट बचा है, तो वहाँ पे आपको जो है वो कनेक्ट कर देना है। तो इस तरीके से देखिए हमारा जो ये फेस वायरिंग जो है पूरा कम्प्लीट हो जाता है। आप जो है हमें इसका न्यूट्रल वायरिंग जो है वो कम्प्लीट करना होगा। तो जो हमारी कनेक्शन प्लेट है, कनेक्शन प्लेट में देखिए आप जो है एन वाला पॉइंट है वहाँ से आप जो है वायर को कनेक्ट करिए न्यूट्रल, और उस न्यूट्रल को लेके जाना है हमें पॉइंट रिले के जो पॉइंट नंबर एक है वहाँ पे आपको 2.5 का वायर लेके जाना है। इस तरह से देखिए आप देखिए जो हमारा एक नंबर है, एक नंबर के पास से आपको 10 का वायर लेना है यानी न्यूट्रल वाला, और वहाँ पे आपको ज्वाइन करना होगा इस तरह से। और इसे लेके जाना है हमें जो हमारा कॉन्टैक्टर है उसके पास जो मैग्नेटिक कॉइल लगा हुआ है उसके दूसरे वाले पॉइंट पे। तो ये हमारा ये देखिए इस धर का जो न्यूट्रल वो जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो गया। अब हमें फिर से आना है कनेक्शन प्लेट पे, कनेक्शन प्लेट पे जो हमारा एन वाला यानी कि न्यूट्रल वाला जो पॉइंट है वहाँ से हमें जो है एक 10 का वायर को कनेक्ट करना है, और वहाँ से इसे लेके जाना है सीधा हमारा जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर का एक अभी भी पॉइंट बाकी है तो वहाँ पे आपको जो है उसे कनेक्ट कर देना है। अब जो हमने जहाँ पे कनेक्ट किया है न्यूट्रल को वहाँ से आपको एक और वायर ज्वाइन करना है 10 का, और उसे लेके आना है हमारा जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर को हमें न्यूट्रल पॉइंट देना होगा तभी वो इंडिकेटर यानी कि ऑन होगा। तो देखिए हमारे यहाँ तक की वायरिंग जो है पूरा कम्प्लीट हो गया। अब हमें आना है कॉन्टैक्टर के ऊपर, तो कॉन्टैक्टर के ऊपर जो हमारा एक नंबर है यानी कि जो 1 2 3 ऐसा 4 लिखा हुआ है ना, तो जो हमारा एक नंबर है वहाँ से आपको ब्लू वाला वायर कनेक्ट करना है 2.5 में, और उसे लेके आना है जो हमारे कनेक्शन प्लेट है ब्लू वाले वायर पे। तो इस तरह से देखिए आप वायर को जो है कनेक्ट कर दीजिए, तो ये हमारा ये एक वायर जो है वो ब्लू वाला यानी कि कॉमन वाली वायर कनेक्ट हो गई। फिर हमें आना है कॉन्टैक्टर के ऊपर वापस से, जो हमारा 2 नंबर है, 2 नंबर के ऊपर हमें जो है यहाँ पे येलो वायर लेनी है आपको, और येलो वायर इस तरह से देखिए आप कनेक्ट करिए और इसे लेके आइए जो हमारा कनेक्शन प्लेट है उसके वाई वाले पॉइंट पे, जो वाला वाई वाला पॉइंट है। अब आना है हमें फिर से कॉन्टैक्टर के ऊपर जो हमारा 3 नंबर अभी भी वायर बाकी है, तो यहाँ पे आप जो है रेड वायर कनेक्ट करिए और उस रेड वायर को लेके आइए जो हमारे कनेक्शन प्लेट है उसका आर वाला जो पॉइंट अभी भी बाकी है। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखिए वायर जिसे कनेक्ट कर दीजिए, जो अभी जो है हमारा वायरिंग पूरा कंप्लीट हो गया यानी कि जो उसका पैनल का वायरिंग है पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आप देखिए जी अब यहाँ पे बात आती है जो हमारा ऑफ स्विच है, अगर आपको ये नहीं रखना है जो हमारा ऑफ स्विच है इसे नहीं यूज़ करना है जो अभी ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे देखिए बॉक्स के अंदर, अगर आपको ये नहीं रखना है इसकी जगह हमें रखना होगा जो हमारा रिले, रिले के अंदर जो ये वाला जो लगा हुआ है जहाँ पे देखिए अभी ग्रीन में जहाँ ब्लिंक हो रहा है, अगर आपको ऑफ की जगह ये वाला स्विच रखना है वो निकाल देना है जो हमने अभी लगाया। तो इसका वायरिंग कैसे करना है वो देख लीजिए। देखिए जी सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जो ऑफ वाला स्विच है तो देखिए अभी जो इसकी एक वायर ब्लिंक कर रही है ये वाली, तो इस वायर को हमें जो निकालना होगा जो हमारी कॉन्टैक्टर के जो मैग्नेटिक कॉइल के अंदर वहाँ से वो निकल के आ रही है ना ऑफ वाले स्विच में, तो इस वायर को हमें जो है निकाल देना है। तो यहाँ चलिए हसे इसको जो है रिमूव कर लेते हैं, इस वायर को हम निकाल देते हैं। आप देखिए जो हमारा ऑफ स्विच है उसके राइट लेफ्ट साइड के अंदर देख सकते हो एक और वायर ब्लिंक कर रही है, इस वाले वायर को भी हमें निकाल देना है। आप देखिए हमारा जो ऑफ स्विच है इस पर अभी कोई वायर लगी हुई नहीं है, ऑफ स्विच जो है वो अलग हो गया। अब हमें क्या करना है, जो रिले रिले के जो है 9.6 वाले पॉइंट पे आप देखिए और यहाँ पे आपको वायर कनेक्ट करना है और उसे लेके आना जो हमारा मैग्नेटिक कॉइल जैसे हमने अभी वायर निकाला है ना उस वाले पॉइंट पे आपको लाके इसे कनेक्ट कर देना है। तो अब ये हो गया हमारा जो रिले के अंदर ऑफ वाला स्विच हो जाएगा वाला जो 9.5 के बाजू में, और ऑन करने के लिए जो हमारा ये हरे वाला इधर वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो इसकी वायरिंग कर सकते हो। आप देखिए अगर आपका 1 HP से कम का मोटर है यानी कि किस केस में 3 कैपेसिटर रहती है किस में 2 कैपेसिटर रहती है, जो पाउंड से नीचे मतलब 1 से नीचे रहती है उसके अंदर 2 कैपेसिटर आती है, तो जो हमारा रनिंग वाले इसमें यहाँ पे डबल लगे हुए ना, अगर आपको यहाँ पे 1 लगाना है तो कैसे लगाएंगे देखिए। तो इसमें से जो है एक कैपेसिटर में पहले निकाल देता हूँ बाहर, यानी जिसमें डबल 36 लगे हुए ना, तो उसमें से 1 36 का कैपेसिटर को मैं अलग कर लेता हूँ, ठीक है। अभी वैसे अभी को बता रहा हूँ किस तरह से आपको ज्वाइन करना है। अब इसके अंदर जो वायर हमारे एक्स्ट्रा वायर निकली है इसे कट कर लेना। तो देखिए मैंने एक जो है वायर लाल वाला कट कर दिया। अब जो हमारा थोड़ा सा पीले वाला वायर बाहर निकला हुआ है उसका, तो उसे भी हम जो है निकाल देते हैं। तो देखिए इस तरह से आपके जो है 2 कैपेसिटर जाएंगे। अगर आपका पाउंड का मोटर है, पाउंड से अगर 1 से नीचे यानी इसमें 1 50 का लगता है और एक स्टार्टिंग कैपेसिटर उसमें 120-150 का लगता है। तो यहाँ पे मैंने 36 से आपको दिखा रखा है लेकिन आपको सिर्फ बताने के लिए मैंने यहाँ पे हटाया है। तो देखिए इस तरह से आपको जो है वायरिंग करना है। तो ये हमारा पाउंड का बन गया अभी पैनल, इससे पहले जो था वो 1 का था। अगर आपका पैनल 1.5 का बनाना है 2 का बनाना है तो आप कुछ मत चेंज करिए, वायरिंग जो पूरा सेम रहेगा, ठीक है। सिर्फ आपके कैपेसिटर चेंज होंगे और रिले चेंज होगा। अगर आपका 1.5 HP का मोटर है तो आप जो है 13-21 का रिले यूज़ करिए, और अगर 2 का मोटर है तो भी 13-21 का भी यूज़ कर सकते हो। और साथ ही अगर आपको उसका HP बढ़ाना है मोटर का तो आपको कैपेसिटर भी चेंज करने होंगे मोटर के हिसाब से। अगर जैसा 1.5 का 2 का डाले तो फिर आपको 50-56 इस तरह के यूज़ करना होता है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।